हेलो दोस्तों, हम सब उदास, चिंतित और शांत कैसे हो जाते हैं और इसका क्या कारण हो सकता है और हम उस समय कौन से काल में रह रहे होते हैं। जैसे कि हम जब उदास होते हैं तो हम भूतकाल में जी रहे होते हैं और हम जब चिंतित होते हैं तो हम भविष्य काल में जी रहे होते हैं, जबकि जब हम शांत होते हैं तो हम वर्तमान काल में जी रहे होते हैं। इसका क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, आज इस वीडियो में हम उस पर बात करने वाले हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि 300 सालों तक ख़राब नहीं होता और ऐसा फूड है जो जानवरों द्वारा बनाया जाता है और उसे इंसान भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। और वही एक ऐसा फूड है जो कि खाने के तुरंत 20 सेकंड के अंदर हमारे शरीर में अच्छी तरह से पच जाता है। तो आप इस वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल फैक्ट्स को जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप फैक्ट्स गेमर। आइए जानते हैं इंटरेस्टिंग और यूजफुल फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 9, शहद एक ऐसा फूड है जो 300 सालों तक कभी ख़राब नहीं होता। ये इसलिए ख़राब नहीं होता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों के लिए पर्याप्त पानी की मात्रा नहीं होती है। शहद एक कीट द्वारा बनाया गया एकमात्र भोजन है और इस भोजन को कीट और मनुष्य दोनों द्वारा खाया जाता है। शहद 20 सेकंड के अंदर ही हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है और आसानी से पच जाता है क्योंकि मधुमक्खियाँ इसे पहले से ही पचा देती हैं। फैक्ट नंबर 8, आपको कभी भी यह बात याद नहीं रहेगी कि आपका सपना कहाँ से शुरू हुआ था। और जब हमारी नींद अलार्म बजने से थोड़ी देर पहले ही खुल जाती है तो उसे विज्ञान की भाषा में सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और जब हम सोते समय सांस छोड़ते हैं तो हमारा वजन 450 से 500 ग्राम यानी आधा किलो तक कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, बिल गेट्स को दुनिया में अधिकतर लोग जानते हैं जैसे कि वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। उनकी अमीरी का अनुमान हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर वह पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को लगभग बराबर बराबर रुपए बांटे तो हर व्यक्ति के हिस्से में 4983 रुपए आएंगे। और ये अमीर होने के साथ साथ बहुत दयालु और बहुत हेल्पफुल भी हैं। ये कई सारे NGOs भी चलाते हैं जैसे कि गरीब बच्चे जो होते हैं या फिर कैंसर से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प के लिए इन्होंने कई NGOs खोले हैं और ये उनमें भरपूर मदद करते हैं। ये अपने हिस्से में से कई परसेंट तो उन NGOs में ही दे देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और सब बिजनेसमैन को ऐसा ही करना चाहिए ताकि जिस देश में वह अपना बिजनेस चला रहे उस देश की वह थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी बात को आमने सामने होकर के कह पाते हैं, बाकी दुनिया के 90% लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी बात को सोशल मीडिया के द्वारा यानी मैसेजेस के द्वारा कह पाते हैं और ये बहुत अजीब बात है। फैक्ट नंबर 5, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए आज तक उसमें से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे ज़्यादा तुलना में मच्छरों ने अधिक लोगों को मार डाला है, जैसे कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाकर। यानी इतिहास में जितने भी युद्ध हुए और उन युद्धों में जितने लोग मारे जा चुके हैं उनसे ज़्यादा लोग तो मच्छर के काटने से यानी मच्छर के द्वारा फैलाई गई बीमारियाँ जैसे कि डेंगू और मलेरिया से ही मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, आप में से कई लोगों ने ये नोटिस नहीं किया होगा कि दुनिया का सबसे पहला झंडा यानी फ्लैग किस देश ने बनाया था और ये कब बनाया गया था। दुनिया में सबसे पहला फ्लैग जो है वह डेनमार्क देश में बनाया गया था और ये 13वीं सदी से चला आ रहा है और ये डेनमार्क का ऑफिशियल फ्लैग तब से ही बना हुआ है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के सभी देशों में अधिकतर नदियाँ पाई जाती हैं पर दुनिया के 18 देश ऐसे भी हैं जहाँ पर एक भी नदी नहीं पाई जाती। आप उन कंट्रीज़ की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि बहमास, बहरीन, कुवैत, नाउरू, ओमान और सऊदी अरब ऐसे देश हैं जहाँ पर एक भी नदी नहीं पाई जाती। पर ये लोग पानी कहाँ से पीते होंगे? इनमें से अधिकतर देशों में समुंदर के पानी को मशीन के द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा शुद्ध करके पिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, एक सर्वे के द्वारा पता लगाया गया कि हवाई जहाज का जो खाना होता है वह बहुत लोगों को स्वादिष्ट नहीं लगता क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हमारे स्वाद और सूंघने की जो क्षमता होती है वह 20% से 50% तक कम हो जाती है, इसलिए हमें हवाई जहाज में जो है खाना स्वादिष्ट नहीं लगता। और ऐसा ही कुछ अंतरिक्ष में भी होता है जहाँ की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे होते हैं उनकी तो 60% से लेकर 90% तक जो है सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उनको भी जो है खाना स्वादिष्ट नहीं लगता। फैक्ट नंबर 1, हम सब इमोशंस से लेकर एक्साइटमेंट तक को महसूस करते हैं। हम सब उदास, चिंतित और शांत इसलिए हो जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न यह है कि हमारे दिमाग में कई सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं और उन केमिकल्स के चलते ही हम जो है इन इमोशंस को महसूस कर पाते हैं।
जब हम उदास होते हैं तो हम भूतकाल में रह रहे होते हैं, और जब हम चिंतित होते हैं तो हम भविष्यकाल में रह रहे होते हैं, और जब हम शांत हो जाते हैं तो हम वर्तमान काल में जी रहे होते हैं। और ये सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन होता है। इन केमिकल्स के चलते ही हम एक दूसरे में इमोशंस को महसूस कर पाते हैं और इमोशंस को एक दूसरे में दिखा पाते हैं और समझ पाते हैं कि हम शांत हैं, चिंता में हैं या उदास हैं। तो अभी तक इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।